हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिफरेंट क्रिएटिविटी। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए आया हूँ कि एक नॉर्मल एसी कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है अगर उसको 4 आवर्स के लिए कॉन्स्टेंटली चलाया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो एसी हम इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं वो एक कैरियर कंपनी का एसी है जिसका मॉडल नेम है ड्यूरा एज। इसकी कैपेसिटी है 1 टन और जिसकी स्टार रेटिंग्स है 5 स्टार। फाइव स्टार से हमको पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एसी है हमारा जो आज हमारी वीडियो में यूज़ होने जा रहा है। ये हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए अब इसकी स्टार रेटिंग्स की तरफ चलते हैं। ये है इसकी स्टार रेटिंग्स। फाइव स्टार जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम हमारे मीटर के पास चलते हैं। ये है हमारा मीटर जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ये मीटर मेरे को 935 रुपीज़ का पड़ा है और आज की वीडियो में हम इसे ही यूज़ करने वाले हैं। ये मीटर हमें इसके एनर्जी कंजप्शन के बारे में भी बताएगा, साथ ही साथ ये उसकी लाइव वाट कंजप्शन भी बताएगा। तो चलिए अब चालू करते हैं इस मीटर को। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मीटर ऑन हो चुका है और आपको इंश्योर कराते हैं कि अभी हम इसको ज़ीरो मिनट से ही यूज़ करना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम हमारे एसी को आपके सामने ऑन कर देते हैं। ये देखें हमारा एसी ऑन हो चुका है। एसी के रिमोट के डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे कि हमने टेम्परेचर 24 यूज़ करा है और 24 हर एसी का एक आइडियल टेम्परेचर होता है। और हमने इस एसी का मोड भी कूल पे कर दिया है। चलिए आपको एसी के डिस्प्ले के पास दिखा दें। ये देखें टेम्परेचर हमारा 24 ही है। और अब हम हमारे मीटर के पास भी चलते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे मीटर को चालू हुए पूरा 1 मिनट हो चुका है, अब 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ये इसकी एनर्जी कंजम्पशन अभी 3 मिनट का। और ये वोल्टेज जिसके ऊपर ये चल रहा है, तो जैसा कि हमारे एसी का ट्रायल 4 घंटे का था, 4 आवर्स, तो हम इसको 4 आवर्स के बाद में वापस चेक करते हैं कि ये कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है, अपनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा 4 घंटे का ट्रायल था,
वो अब पूरा हो चुका है, तो अभी मैं एसी को बंद कर देता हूँ, आपको दिखा दूँ कि एसी अभी भी चालू ही है। वो देखें एसी अभी भी चालू ही है 24 पे, और अभी मैं बंद कर देता हूँ उसको। ये देखें एसी अब बंद हो गया है। तो चलिए अब हमारे मीटर के पास वापस आ जाते हैं। तो ये देखें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम इसकी रीडिंग यूनिट्स देखने के लिए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2.54 kWh आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसकी 4 घंटे की रीडिंग 2.54 किलोवाट्स है, जिसका मतलब 2.5 यूनिट 4 आवर्स में ये कंज्यूम करता है। और एक अंदाज़ा अगर हम लेके चलते हैं तो 0.45 यूनिट से पर आवर कंज्यूम करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी कैरियर का ड्यूराफ्रेश 3i 1 टन 5 स्टार कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है 4 आवर्स में। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ 2.5 यूनिट्स कंज्यूम करता है 4 आवर्स में, और टेम्परेचर भी हमारा 24 था। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन चाहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।